तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की कुछ लेटेस्ट अपडेटों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। पालघर जिले के लोग अपनी जमीनें देने से मना कर रहे हैं। उसको देखते हुए NHRCL ने 25% ज्यादा पैसा देने का फैसला लिया है लैंड एक्विजिशन करने के लिए। पालघर जिले में 180 हेक्टर भूमि की आवश्यकता है, उसमें से अभी तक 30 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अगर जबरन लैंड एक्विजिशन की जाती है तो लोगों को 25% कम पैसा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी लागू कर दी है। जिले के कलेक्टर डॉक्टर मानिक गुजराल जी ने NHRCL से कहा था कि 25% ज्यादा पैसे देने के लिए अगर वहां के लोग अभी लैंड एक्विजिशन के लिए जमीन दे देते हैं तो उन्हें 25% बोनस मिलेगा, अगर नहीं देते हैं तो उनसे होर्स पूरी ले लिया जाएगा और 25% कम रुपया देगा। क्या आपके हिसाब से ये सही निर्णय है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इस रूट पर हमें पहली बुलेट ट्रेन 2026 तक इस बुलेट ट्रेन के लिए 50 किलोमीटर के स्ट्रेच पर ट्रायल रन होगा, जो होगा सूरत से लेकर बिलीमोरा तक। महाराष्ट्र में अभी तक 33% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। पालघर जिले की बात करें तो इसमें महज 27% भूमि का अधिग्रहण हुआ है। महाराष्ट्र जिले में बुलेट ट्रेन की लंबाई 155 किलोमीटर होगी। पालघर जिले में ही इसकी लंबाई 109 किलोमीटर की होगी। जिले में 20 हेक्टर भूमि सरकारी थी, जिसमें से 15 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।